बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलरेट वॉची। मैं हूं सुल्तान शेख और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में। तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जनरल, मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जीआरई की क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस और बॉन्ड। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कौन सी कंडीशंस हैं और कौन से बॉन्ड आपको साइन करने पड़ेंगे उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन साइकिल क्या है, मींस कब से कब तक इनका प्रोसेस चलता है, प्रोसीजर क्या है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, और देन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोगों के जहन में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फुलब्राइट स्कॉलरशिप है कि एक्चुअली फुलब्राइट स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए ऑफर की जाती है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये ऑफर की जाती है 160 कंट्रीज़ में। तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलते हैं, तो द ग्रांट फंड एक्चुअली इंक्लूड्स ट्यूशन फीस, टेक्स बुक्स, एयर फेयर, लिविंग स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, कंप्यूटर एंड सेटलिंग इन अलाउंस। सो ये बहुत अच्छी सी स्कॉलरशिप है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो ये अगर 160 कंट्रीज़ में ऑफ़र की जाती है, तो ये वीडियो में जो बना रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान बना रहा हूँ, तो पाकिस्तान सिटीजन्स जो रिजाइड और वर्किंग इन पाकिस्तान कर रहे रह रहे हैं या पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं और जिनका बैकग्राउंड अकेडमिक हिस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग है, वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन के लिए, ठीक है। और अगर हम इन एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अगर आप के पास ड्यूअल सिटीजनशिप पे मतलब नेशनलिटी आपके ड्यूअल है, यूएस की नेशनलिटी भी और पाकिस्तान की भी है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके स्पाउस, पेरेंट और फियांस आर चाइल्ड है जो अबो 18 इयर्स ऑफ एज है और यूएस का सिटीजन है, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय हैं फुलब्राइट ऑर्गेनाइजेशन के और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, एंड अगर आपके स्पाउस, फियांस, सिब्लिंग्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स एम्प्लॉयज़ हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और ये प्रेफर करते हैं उनको जो उन्होंने पहले ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं किया। अगर आपने अवेल की है तो ये आपको प्रेफर नहीं करेंगे, पहले उनको प्रेफर करेंगे जिन्होंने ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं की। और इसके अलावा अगर पर्सन्स ऑलरेडी स्टडिंग इन द यूएस, जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं, या जो बंदे कहीं और पे काम या कहीं और उनकी रेजिडेंसी है इन एनी अदर कंट्री, तब भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आइदर आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो या आपने 2 ईयर्स बैचलर की हो, 2 ईयर मास्टर की हो, तब आप इस स्कॉलरशिप में मतलब मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनको इनक्रेज करते हैं, हाईली इनक्रेज करते हैं कि वो अप्लाई करें क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो एक्सेप्ट फॉर MBA एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने अभी अभी BBA कंप्लीट किया और आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD, तो आपके पास 18 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, सच एज मास्टर्स, MPhil और कंपेरेबल डिग्री फ्रॉम एनी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग रिसर्च में अगर है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें प्रोग्राम्स की, तो एक्चुअली ऑल प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर एंड PhD एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन। और अगर आपने इनमें से किसी फील्ड में अप्लाई करना है, तो वो स्पेशली इन लोगों को इनक्रेज करते हैं, जैसे कि जो बहुत ही आजकल बहुत ही इन फील्ड्स का ट्रेंड चल रहा है, सच एज एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा, तो ये आप अगर इन फील्ड्स में अप्लाई करते हैं तो ये आपको स्पेशली इंकरेज करते हैं कि आप अप्लाई करें। और GRE हर डिसिप्लिन के लिए, हर मास्टर्स हो या PhD और कोई भी प्रोग्राम, आपको GRE देनी होगी। और अंडर न्यू स्कोरिंग सिस्टम 138 आपको चाहिए वर्बल में एंड 136 आपको चाहिए क्वांटिटेटिव सेक्शन में। GRE कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, GRE है क्या, उसके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक। और आते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा USEFP के साथ और एक हेक के साथ बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और उस बॉन्ड में ये होगा कि आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करके आएँ, स्पेशली PhD, तो आपको
अपने कंट्री को सर्व करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए, जितने ड्यूरेशन में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, ठीक। उसके अलावा आते हैं एप्लीकेशन साइकिल के, कब से कब तक इनका प्रोसेस चलता है। तो एप्लीकेशन डेडलाइन वेरी होती है, कभी मई में होती है, कभी जून में। इस ईयर ये है 9 जून को डेडलाइन है इस स्कॉलरशिप के लिए। और एप्लीकेशन रिव्यू और इंटरव्यू प्रोसेस ये कंटिन्यू होगा अंटिल सेप्टेम्बर तक, और रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह मिड अक्टूबर तक। और यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, प्लेसमेंट प्रोसेस चलता रहेगा ये अंटिल फरवरी 2022 तक। और जो वीज़ा इंटरव्यूज़ हैं वो कंटिन्यू होंगे अंटिल जून तक। और आप जब डिपार्ट आप कब करेंगे यूएस के लिए, वो करेंगे जुलाई एंड ऑनवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं प्रोसीजर पे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इस लिंक पे जाके एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दी है, और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए, उसके अलावा आपको GRE स्कोर रिपोर्ट चाहिए, और आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए स्कैंड इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन। आपकी ग्रेडिंग स्केल क्या है, हर यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग स्केल डिफरेंट होता है, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है। फिर आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं। सबसे पहले ये कि क्या हम GRE को सबमिट कर सकते हैं आफ्टर डेडलाइन और आफ्टर सबमिटिंग माई एप्लीकेशन। तो इसका आंसर ये है कि आपको GRE टेस्ट देना पड़ेगा एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिपोर्ट GRE की नहीं आती लेकिन आपको अनऑफिशियली स्कोर पता है, तो आपको वो स्कोर सबमिट करने होंगे और आपको वो प्रूफ सबमिट करना होगा कि हाँ आपने ये टेस्ट दी है, ठीक है। और दूसरा ये कि इज़ द टोफिल आल्सो रिक्वायर्ड विद एप्लीकेशन, टोफिल रिक्वायर्ड है कि नहीं। नहीं, एप्लीकेशन के साथ आपको टोफिल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बाद में आपको उसकी टोफिल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द टोफिल। फिर आते हैं कि अदर एग्जाम है GRE एंड टोफिल के अलावा और कोई एग्जाम है, तो GRE एंड टोफिल के अलावा मेन जो है GRE एंड टोफिल हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एप्लीकेंट्स हैं तो उनको जनरल GRE देनी पड़ेगी, और अगर वो सिलेक्ट हो गए तो उनको कहा जाएगा GMAT आप दें। और जो फिजिक्स के मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कहा जाएगा कि आप GRE सब्जेक्ट टेस्ट दें। जब वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तब उनको कहा जाएगा कि आप GRE सब्जेक्ट का टेस्ट दें। फिर आते हैं ये कि आई वॉज अ गुड बट नॉट ग्रेट स्टूडेंट, डू आई हैव अ चांस। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, CGPA अच्छी नहीं होती, तो वो परेशान होते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कंडीशन ये है कि आपका GRE का स्कोर अच्छा आना चाहिए। तो आपको अपने GRE में अच्छी मेहनत करनी ताकि आपका स्कोर जो GRE का है वो अच्छा आए, फिर आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। और आपकी जो अदर अचीवमेंट्स हैं इंक्लूडिंग कम्युनिटी सर्विस वो ये कंसीडर करेंगे, आपके अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो वो इन चीज़ों को देखेंगे। फिर आते हैं कि आई कैन नॉट ईजली अफोर्ड द GRE कॉस्ट, कैन यू एस EFP हेल्प मी। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो GRE की टेस्ट का कॉस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो रह जाते हैं, तो डोंट वरी। तो अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका स्कोर जो है 290 है, अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस सब्जेक्ट में हैं, और अगर 300 से अबव है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट रीएम्बर्समेंट की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ये क्या करेंगे, USEFP वाले 30 कैंडिडेट्स को ये फीस रीएम्बर्स करके देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो आप जल्द से जल्द फर्स्ट ऑफ ऑल GRE के लिए तैयारी करें और एप्लीकेशन सबमिट करें, GRE टेस्ट दें। अगर आपका स्कोर ज़्यादा आ गया 300 से, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फ़ीस रीइंबर्स हो सकती है। सो गुड लक फॉर डेट। और उसके अलावा हमारे पास कैन माई रिकमेंडेशन लेटर्स भी सबमिटेड ऑनलाइन। हाँ, तो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको 3 सबमिट करने हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं सबमिट एंड बाय कोरियर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन करें। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल सेंड की जाएगी आपके रेफरी को, और उसको कहा जाएगा कि आपका रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करें। उसके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो आपका लेटर जो है कोरियर करें उनकी ऑफिस एड्रेस पे एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन से पहले, ठीक है। फॉर ऑनलाइन सबमिशन आपको क्या करना पड़ेगा, योर रेफरी विल रिसीव द ऑटो जनरेटेड कन्फर्मेशन ईमेल, उनको ईमेल आ जाएगी और उनको वो लेटर सबमिट करना पड़ेगा।
तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने रेफरीज को कहें कि रिकमेंडेशन लेटर आपके सबमिट करें, क्योंकि यूएसएफपी उसमें कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपके रिकमेंडेशन लेटर सबमिट नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो हमने चीज़ें डिस्कस की, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो मस्ट अप्लाई, दिस स्कॉलरशिप इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई विश यू गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।